तो दोस्तों आप जब अपने चैनल के यहाँ पर चैनल सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन में एक जो ऑप्शन है देखने को मिलता है कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट। तो अब इसका क्या मतलब होता है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि इसको अगर हम ऑन करेंगे तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे, और यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज भी मिल जाएंगे जिनमें यही चीज बताई जाती है कि अगर आप इसको यहाँ पर ऑन करके रखेंगे, जैसे कि ऐसे ऑफ हो जाता है यहाँ पर और इस तरीके से ये ऑन हो जाता है, तो अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो आप के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ पर हाइड हो जाते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली बता दूंगी कि इसको ऑन करने का या ऑफ करने का क्या फायदा होता है या फिर क्या नुकसान होता है, और आपको इस ऑप्शन को ऑन करके रखना चाहिए अपने चैनल पर या फिर आपको इसको बंद करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पर सब्सक्राइबर्स नहीं लिखा है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर नीचे भी सब्सक्रिप्शन का एक टैब मिल जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने जिन भी चैनल्स को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखा होगा वो सारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होते हैं और उनकी वीडियोस भी यहाँ पर दिखती हैं। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने जिन चैनल्स को सब्सक्राइब किया है वो सारे यहाँ पर शो होंगे। तो आप देखिए इसको अगर आप यहाँ पर देखिए ऑन करके रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑन करके रखा है, तो अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो जिन भी चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया होगा उनको यहाँ पर नहीं पता चलेगा कि आप उनको फॉलो करते हैं, आपने उन्हें सब्सक्राइब किया है। तो ये आपकी प्राइवेसी के लिए होता है, ठीक है। इससे आपको अगर आप इसको ऑन करेंगे तो इससे ये नहीं होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पर हाइड होंगे, सब्सक्राइबर आपके दिखेंगे, ठीक है। सब्सक्राइबर आपके चैनल के जो होंगे वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। बाकी अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप जिन चैनल्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे, जिन चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने अपने चैनल पर इसको यहाँ पर ऑफ करके रखा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने ही चैनल को यहाँ पर क्रोम में ओपन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने अपने चैनल पर मान लीजिए इसको ऑफ करके रखा है और आपने यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्या है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसे ये रीसेंट सब्सक्राइबर शो होते हैं ना, तो यहाँ पर जो ये सब्सक्राइबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, इन लोगों ने यहाँ पर इस वाली सेटिंग में इसको ऑफ करके रखा, यानी कि उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन है ना कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, इसको उन लोगों ने ऑफ करके रखा होगा, इसीलिए यहाँ पर ये लोग शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपको फायदा ही है, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, ठीक है, या फिर और भी जो चैनल जिनको आपने सब्सक्राइब किया होगा उन सबको नहीं पता चलेगा कि आप उनको सब्सक्राइब करके रखे हैं या उन चैनल्स को फॉलो करते हैं। तो ये एक तरीके से मान लीजिए प्राइवेसी ही है, बहुत ज्यादा इसका फायदा भी नहीं है और कुछ नुकसान भी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ पर ऑन करके रख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको यहाँ पर ऑन करके रखें क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपकी मर्जी है कि आप इसको ऑफ करके रखना चाहें तो आप ऑफ करके भी रख सकते हैं, ठीक है। और मैंने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज देखी जिसमें कुछ अलग ही बताते हैं कि हाँ अगर आप इसको ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तो इससे आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके हाइड या अनहाइड होने पर कोई फर्क पड़ेगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो मैंने आई होप इस वीडियो में आपको क्लियरली बता दिया है कि इसको यहाँ पर आपको कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट वाले ऑप्शन को ऑन करने का या फिर ऑफ करने का आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।